स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेनवी जीनियस पे। आज हम सीबीएसई 2019 मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 18 मार्च 2019 को पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपकी रिक्वेस्ट पे सबसे पहला टॉपिक जो मैंने लिया है वो वेक्टर और 3D ज्योमेट्री का लिया है। वेक्टर 3D ज्योमेट्री का की जो शीट है ये मेरे सामने है, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन पहले मैंने लिखे हैं और उसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और 4 मार्क्स के बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये जो शीट मेरे पास है ये मेरी खुद की डिजाइन की हुई नहीं है। ये इनफैक्ट मेरे द्वारा और ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टीचर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई बोर्ड के, उन सबके द्वारा मिल के तैयार की गई शीट है। इट मीन्स कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो न्यूमेरिकल आपको मिलेगा वो इसी शीट से मिलेगा, ये 100% श्योर है। अगर आपने इस शीट को तैयार कर लिया, अगर आपने वेक्टर और 3D ज्योमेट्री के ये क्वेश्चंस देख लिए तो आपको क्वेश्चंस इन्हीं में से मिल जाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और हर क्वेश्चन को के सॉल्यूशन को भी बहुत ध्यान से देखिएगा कि एग्जाम में आपका गलत ना हो पाए। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होगी कि जो क्वेश्चन मैं यहां पे सॉल्व करूं वो आर्टिकल भी उसका मैं बताता चलूं, जिससे कि अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं, फेल होने की कगार पे हैं, तो भी अगर आप इस शीट को के वीडियो को देख लें, अगर आप इस वीडियो को देख लें तो आप इस एग्जामिनेशन को अच्छे मार्क्स के साथ निकाल पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आने पे आपका जो सबसे पहला काम है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाना, शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज्यादा मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा इस वीडियो जैसे और वीडियोस बना के पूरी मैथमेटिक्स को कवर करने में। तो स्टूडेंट्स, पहले हम वेक्टर 3D के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री में सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है वो फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। एक वेक्टर ए हमें दिया है, ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस k और हमें यूनिट वेक्टर इस वेक्टर का बताना है। अब यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर हमेशा याद रखो, किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। इट मींस मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे वो भी मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं। मैग्नीट्यूड कैसे मिलता था, अगर कोई वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलता था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो स्टूडेंट्स, हम यहां पे वेक्टर दिया है, हम इसका यूनिट वेक्टर जल्दी से निकालते हैं। यूनिट वेक्टर हमारा हो जाएगा वेक्टर ए, ऊपर हम 2i प्लस 3j प्लस k लिखेंगे और नीचे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से लिखेंगे, रूट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k डिवाइडेड बाय 9 4 13 और 1 14, रूट ऑफ 14। ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो हमसे पूछा गया है, सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। एक वेक्टर हमें बताना है ए के डायरेक्शन में। ए वेक्टर हमें दिया है 5i माइनस जे प्लस 2k, हमें इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर बताना है, उसको हम बी कह देते हैं। उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड 8 यूनिट दिया है और हमें बी वेक्टर बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है बी वेक्टर और ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम है। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखो, हमें बी वेक्टर फाइंड करना है, तो कोई भी वेक्टर किससे बना होता है, मैग्नीट्यूड से बना होता है और डायरेक्शन से बना होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड हमें पता है, हम डायरेक्शन बी का फाइंड कर लें तो वेक्टर बी हमें मिल जाएगा, क्योंकि B और A सेम डायरेक्शन में, तो हम A का डायरेक्शन, A का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, A का यूनिट वेक्टर क्या होगा, A का यूनिट वेक्टर होगा A वेक्टर, A वेक्टर लिखेंगे
डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ 25, 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ए यूनिट वेक्टर हमें मिल रहा है 5i माइनस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 25, 4, 29 और 1, 30। ये ए यूनिट वेक्टर मिल रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ए यूनिट वेक्टर मिल गया तो अब आप बी वेक्टर लिख सकते हैं। बी वेक्टर होगा बी का मैग्नीट्यूड 8 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय बी कैप। बी कैप और ए कैप जो है वो सेम रहेंगे, तो 5i माइनस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय रूट 30। ये हमारा बी वेक्टर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव ऑन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव ऑन करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन हमको प्रोवाइड किया गया है, उसमें एक वेक्टर गिवन है आई प्लस 2j प्लस 3k, ये वेक्टर गिवन है और हमें बताना क्या है। स्टूडेंट्स, हमको डायरेक्शन कोसाइंस इस वेक्टर के फाइंड आउट करने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस जो है फाइंड आउट करने हैं। आप सभी को पता है कि मेरी स्पीड बहुत तेज है, अगर मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगा, पर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि स्लोली प्रोसीड करूं, क्योंकि मेरा एम है उन स्टूडेंट्स को भी साथ में लेके चलना जो कि वीक है। जो स्पीड वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनकी प्रिपरेशन है, वो तो अच्छा कर ही लेंगे, पर जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेसिकली ये वीडियो मैंने बनाया है, तो मैं अपने आप को थोड़ा स्लो ही रखने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करने हैं। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए एक बात याद रखिए, कभी भी कोई वेक्टर गिवन होता है, अगर कभी भी कोई वेक्टर गिवन होता है तो उसमें जो आई जे के कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। वो एक्चुअल में हमारे क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो होते हैं। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन बनाना बहुत आसान था। डायरेक्शन रेशियो से अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन बनाना है तो जो ए है, बी सी है, इनको हम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन जो है मिल जाएंगे। इस तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए। डायरेक्शन कोसाइन हमारा हो जाएगा, यहां पे ए आई का कोफिशियंट 1 है, तो 1 बाय रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। स्टूडेंट्स, 2 बाय और 3 बाय, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, 3 स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, तो रूट 14 ये हमारा आ रहा है। रूट 14 ये हमारा हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे हो गए 1 बाय रूट 14, 2 बाय रूट 14 और 3 बाय रूट 14। स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन में कोलिनियर से रिलेटेड क्वेश्चन हमको दिया गया है। जो फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है वो कोलिनियरिटी से रिलेटेड है। इस पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर्स गिवन है। एक वेक्टर है ए 2i माइनस pj प्लस 4k, एक वेक्टर ये गिवन है, और एक वेक्टर और गिवन है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, और हमसे कहा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ p इफ दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, a एंड b आर कोलिनियर। अगर ए बी कोलिनियर है, अगर ए बी कोलिनियर है तो हमें p की वैल्यू बतानी है। स्टूडेंट्स, कोलिनियर वाले क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर a और b कोलिनियर है तो हमेशा याद रखिए, इसको करने के कई मेथड्स होते हैं। मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं सिंपलेस्ट है। जब भी कोई दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो एक दूसरे का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, लैम्डा टाइम्स होता है दूसरे वेक्टर का, a लैम्डा टाइम्स b होगा। स्टूडेंट्स, अब यहां पे a और b की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, a हमें पता है 2i माइनस pj प्लस 4k है, और इधर लैम्डा b अगर हम पुट कर दें माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k है,
यहाँ लैम्डा अगर अंदर भेज दोगे 2i माइनस पीजे प्लस 4k विल बी इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा i प्लस 6 लैम्डा j माइनस 8 लैम्डा k कैप। स्टूडेंट्स अब अगर हम i j k के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट है 2 और यहाँ पे i का कोएफिशिएंट है माइनस 4 लैम्डा, तो 2 विल बी इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा। फ्रॉम दिस वी विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1/2, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हम j के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें, यहाँ पे j का कोएफिशिएंट है माइनस p और यहाँ पे j का कोएफिशिएंट है 6 लैम्डा, तो अगर हम माइनस p और 6 लैम्डा को कंपेयर करेंगे तो लैम्डा हमारा हो जाएगा माइनस पी बाय 6। स्टूडेंट्स ये आप समझ गए होंगे, लैम्डा हमारा माइनस पी बाय 6 हो गया। या लैम्डा मैं क्यों निकाल रहा हूं, मुझे तो पी फाइंड करना है। माइनस पी हमारा 6 लैम्डा के इक्वल है, लैम्डा की वैल्यू सीधे यहां पे रख देता हूं, इस स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये लैम्डा अगर हम यहां पे रख देंगे तो माइनस पी इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 1/2 होगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो पी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, पी हमें मिल गया 3। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 वेक्टर्स प्रोवाइडेड हैं। ए वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 2k और एक और वेक्टर है b माइनस i प्लस j माइनस k। हमसे कहा गया है यूनिट वेक्टर फाइंड करो इन डायरेक्शन ऑफ 2a माइनस b। हमें 2a माइनस b के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। स्टूडेंट सबसे पहला काम हमें करना होगा 2a माइनस b फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम 2a माइनस b फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जो 2a माइनस b हमारा होगा, यहां पे a की वैल्यू रख दो 2i माइनस j प्लस 2k और b की वैल्यू रख दो माइनस i प्लस j माइनस k। तो अगर हम ये वैल्यूज रख देंगे तो 2 को अंदर भेजो 4i माइनस 2j प्लस 4k और ये माइनस अंदर भेजो तो प्लस i माइनस j प्लस k कैप। स्टूडेंट्स 4i और i हमारा कितना हो जाएगा 5i, माइनस 2j माइनस j हो जाएगा माइनस 3j और 4k और k हो जाएगा 5k। इस तरीके से हम 2a माइनस b फाइंड कर सकते हैं। हमारा 2a माइनस b आ गया। अब हमें यूनिट वेक्टर इसी के डायरेक्शन में चाहिए, तो यूनिट वेक्टर जो हमारा होगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा दिस वेक्टर 5i माइनस 3j प्लस 5k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमें कितना मिलेगा भाई, 5i माइनस 3j प्लस 5k तो ऊपर है हमारा और नीचे हमें मिल गया 25 25 और 9, तो ये हमारा आ जाएगा 5i माइनस 3j प्लस 5k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 59। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर सकते थे। पहला काम हमें करना है 2a माइनस b निकालना है, 2a माइनस b हमारा आ गया। उसके बाद एक बार 2a माइनस b मिल गया तो हम उसी के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड 25 9 और 25, इसको सॉल्व करेंगे रूट 59 हमें मिल जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें एक वेक्टर हमें दिया है ए और ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 2 है और ए डॉट बी हमें दिया हुआ है, ए डॉट बी है इसका 6 वैल्यू दी है। हमें मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, हमें ए प्लस बी का मॉड जो है फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स यहां पे हम ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर। यहां पे सिंपल जो a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वही लगेगा। तो a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
स्टूडेंट्स ध्यान ये देना है क्योंकि ए बी वेक्टर्स हैं तो यहां मैग्नीट्यूड लिख के जाएंगे और यहां पे ए बी की जगह ए डॉट बी लिखा जाएगा। अगर अब आप वैल्यू रख देते हो, मॉड ए हमारा 3 है, मॉड बी हमारा 2 है और ए डॉट बी हमारा 6 है, तो ये हो जाएगा 9, 4 और 12। इट मीन्स 9 और 12 21 + 4 = 25 हो जाएगा। तो जो मॉड ए प्लस बी हमें मिलेगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी हमें मिलेगा वो इसका स्क्वायर रूट होगा, +-25 हमें मिल जाएगा। इट मीन्स +-5 हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव ऑन करते हैं। 7th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है, फाइंड यूनिट वेक्टर। इसमें वेक्टर लिख दिया गया है पर एक्चुअल में यूनिट वेक्टर है, तो हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू सम ऑफ वेक्टर्स, पैरेलल टू सम ऑफ वेक्टर्स आई प्लस 2j - 3k एंड -i - 3j + k। हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर्स के सम के पैरेलल हो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू सम ऑफ ए एंड बी। स्टूडेंट्स तो सबसे पहला काम हम करते हैं इनका सम लिख लेते हैं। अगर हम इनका सम लिखेंगे ए प्लस बी तो आई माइनस आई तो 0i हो जाएगा और 2 - 3 - 1j हो जाएगा और -3 + 1 - 2k हो जाएगा। ये हमें ए प्लस बी मिल गया। स्टूडेंट्स ए प्लस बी अगर हमें मिल गया, हमें वेक्टर बताना है पैरेलल टू सम ऑफ वेक्टर्स, तो जो यूनिट वेक्टर हमारा होगा, अब हम इजिली लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर होगा दिस वेक्टर, लेट दिस वेक्टर बी सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो अगर हम इस वेक्टर को मींस -j - 2k को हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, आई तो है नहीं यहां पे तो आई का कोफिशियंट 0 है, -1² + -2² यहां पे होगा। इट मींस -j - 2k डिवाइडेड बाय √4 और 1 √5 हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर हमारा आ रहा है -j - 2k / √5। इस तरीके से हम क्वेश्चन 7th को सॉल्व कर सकते थे। स्टूडेंट 8th क्वेश्चन प्रोजेक्शन से रिलेटेड है, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो 8th क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखो कभी भी कोई वेक्टर अगर गिवन है आपको ए और एक लाइन गिवन है, एक लाइन गिवन है या एक वेक्टर गिवन है बी, इस पे आपको ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स पहली बात आपको ये याद रखनी है, प्रोजेक्शन मींस परछाई, शेडो। तो जो ए की शेडो है वो इतने रीजन में बनेगी। अगर इस लेंथ की बात करें तो ये लेंथ ए का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होगा, मींस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा ये लेंथ होगी। और इट मींस जो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है वो कुछ और नहीं ए कॉस थीटा है। प्रोजेक्शन में इतना आसान कॉन्सेप्ट है कि आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वही एक्चुअल में प्रोजेक्शन कहलाता है। अब देखो यहां पे ए कॉस थीटा हमारा प्रोजेक्शन है, इसको हम हल्का सा मॉडिफाई करने जा रहे हैं। अगर हम इसको बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो ऊपर ए डॉट बी क्रिएट हो जाएगा और नीचे बी रहेगा। तो ये फॉर्मूला हम एग्जाम में यूज करते हैं, इसको शॉर्ट में कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है ए डॉट बी कैप। तो स्टूडेंट्स ए ऑन बी प्रोजेक्शन हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो 8th क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, एक वेक्टर आई प्लस 3j - 3k दिया है, आई प्लस 3j - 3k और इस वेक्टर के साथ एक वेक्टर बी दिया है। वेक्टर बी हमें क्या दिया है, i - k। अब हमसे कहा गया है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो बहुत इजी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अगर हमें लिखना है
तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये हमारा होगा ए डॉट बी, इनका डॉट करो। डॉट कैसे करते थे, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे से करेंगे और के वाले को के से करेंगे। स्टूडेंट्स यहां पे आई वाले को अगर आप आई से करोगे तो आई वाले को आई से करोगे तो वन आएगा, इसमें जे वाला टर्म नहीं है तो जीरो हो जाएगा, और के वाले को के से करोगे तो माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस थ्री आएगा, डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे तो रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर, इट मीन्स जो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है वो हमारा आ गया फोर बाय रूट टू। स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हमें मिल गया है फोर बाय रूट टू। आप चाहो तो ऐसे ही आंसर छोड़ सकते हो, पर कभी कभी हमको ये पता है कि रूट जो है डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगता है, तो रूट टू नीचे आ रहा है तो इसको थोड़ा सा हम या तो रेशनलाइज कर दो या सीधे इसको टू इंटू टू लिख लो, टू बाय रूट टू जो है हमारा रूट टू हो जाएगा, तो टू रूट टू फाइनल आंसर दे दो, तो एट्थ में जो आंसर होगा वो टू रूट टू हमें मिल जाएगा। स्टूडेंट एट्थ के बाद नाइन्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, जो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, नाइन्थ में हमें एक वेक्टर ए दिया है आई प्लस थ्री जे माइनस थ्री के मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस फोर जे माइनस टू के, ये वेक्टर दिए हैं और हमसे कहा गया है आप मैग्नीट्यूड बताओ वेक्टर ए का, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। स्टूडेंट्स पहले हम वेक्टर निकालेंगे तभी तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। यहां पे इन शॉर्ट हमें क्रॉस प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो याद करिए क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते थे, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। तो हम ए वेक्टर अगर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो पहले हमें आई जे के लिखना पड़ेगा। देख लो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता तो मैं यहां पे वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले आई जे के लिखोगे, फिर पहले वाले वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं यहां पे वन, यहां थ्री और यहां माइनस थ्री, इनको लिखोगे और फिर यहां पे जो कोफिशिएंट्स हैं वन फोर माइनस टू वो लिखोगे, वन फोर माइनस टू, तो ये आपका ए क्रॉस बी दिस क्रॉस दिस बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो पहली रो के अबाउट मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, साइन प्लस माइनस प्लस लेते थे तो आई कैप दिस थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स माइनस फोर इंटू माइनस थ्री विल बी माइनस ट्वेल्व, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, माइनस जे इसको और इसको हाइट करोगे माइनस टू प्लस थ्री, और प्लस के कैप इसको इसको हाइट करोगे तो फोर माइनस थ्री। स्टूडेंट्स ये हमें मिल गया ट्वेल्व माइनस सिक्स हो जाएगा सिक्स, सिक्स आई कैप थ्री माइनस टू वन, तो माइनस जे कैप फोर माइनस थ्री वन, तो के कैप, ये हमारा ए वेक्टर आ गया। अब इजिली हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जाएगा रूट ऑफ सिक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर और वन स्क्वायर, तो थर्टी सिक्स वन और वन, इट मीन्स रूट ऑफ थर्टी एट हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स काफी इजी क्वेश्चन था, पहले आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व, फिर इसको हाइट करेंगे माइनस टू प्लस थ्री, और फिर इसको हाइट करेंगे फोर माइनस थ्री, तो ये सिक्स हमारा मिला, ये हमारा वन मिला और ये हमारा वन मिला, तो ये वेक्टर ए आ गया। एक बार वेक्टर ए आ गया तो उसका मैग्नीट्यूड हम इजिली लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के बाद, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के बाद मूव ऑन करते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन हमारा है, हमें दिया हुआ है पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि क्या होगी, फॉर विच पी आई प्लस पी जे प्लस पी के इज अ यूनिट वेक्टर। अब देखो ये यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो पी की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट्स आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन होना चाहिए अगर ये यूनिट वेक्टर है तो। तो हम इसके मैग्नीट्यूड को लिखने जा रहे हैं पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का रूट,
ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, मींस 3p स्क्वायर का रूट 1 होगा, 3p हमारा 1 होगा, रूट 3p 1 होगा, इट मींस p हमें मिल जाएगा 1/√3। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम p की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, p हमारा 1/√3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन के बाद, 10th क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। इलेवेंथ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमें टू वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस के, और बी वेक्टर है i माइनस 2j माइनस 3k। ये टू वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, 3i माइनस 2j प्लस के कैप और i माइनस 2j माइनस 3k कैप। हमसे कहा गया है एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स फाइंड करना है, एंगल हमें फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, आप ए डॉट बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ए डॉट बी हमारा किसके इक्वल होता था, ए डॉट बी हमारा इक्वल होता था ए बी कॉस थीटा के। तो यहां पे ए डॉट बी आपको मिल जाएगा 3 × 1 = 3, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करो 4, और 1 × −3 −3, ये ए डॉट बी हमें मिल गया। ए का मैग्नीट्यूड मैं लिखूंगा, अब देखो ए का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो, ए का मैग्नीट्यूड हमारा होगा √3² (9 − 2² (4) और 1² (1), इट मींस √14। सिमिलरली आप बी का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, 4 और 9, इट मींस √14 ये भी होगा। ये अच्छा है, ए और बी के मैग्नीट्यूड सेम है, √14 cos थीटा। स्टूडेंट्स ये 3 कैंसिल हो रहा है, 4/14 हमें मिलेगा, cos थीटा इक्वल है, और अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो थीटा हमें मिल रहा है cos इनवर्स 2/7। तो इस तरीके से हम इजीली थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको प्रोवाइडेड होंगे, अगर आपको डिग्री में एंगल चाहिए तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके थीटा फाइंड आउट कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th में हमें टू वेक्टर्स गिवेन है, ए है 3i प्लस जे माइनस 2k और बी वेक्टर है i प्लस एक्स जे माइनस 3k कैप, और हमसे कहा गया है ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट्स अब देखो परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, कभी भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ये चीज याद रखिएगा, कभी भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो आपको क्या करना है, उनके डॉट को जीरो के इक्वल करना है। तो इनका डॉट फाइंड करते हैं, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करो भाई, 3 × 1 कितना होगा 3, 1 × x कितना होगा x, और −2 × −3 कितना होगा 6, और इसको जीरो के इक्वल करो, तो इससे x हमें मिल जाएगा −9, x हमें मिल गया −9। क्वेश्चन नंबर 13th पे मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स 13th क्वेश्चन जो है, 13th क्वेश्चन जो है, इसमें a वेक्टर हमें दिया है 5i + 2j − 3k कैप, और b वेक्टर हमें दिया है i + pj + 5k कैप, और हमसे कहा गया है ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है। अब एक बात आपको इस क्वेश्चन में सिखाई क्या जा रही है, ये क्वेश्चन 12th जैसा ही है, पर 12th में कहा गया था दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, यहां पे आपसे कहा जा रहा है दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है। आपको इस क्वेश्चन में सिखाया ये जा रहा है कि ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर एक ही चीज होती है, ये दोनों वेक्टर्स आपको दिए हैं ऑर्थोगोनल है, तो पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगेन हम सेम कंडीशन का यूज करेंगे, ए डॉट बी हमारा जीरो होगा। स्टूडेंट्स ए डॉट बी निकालते हैं, 5 + 2p - 15, ये जीरो के इक्वल होगा,
तो 2p हमें कितना मिल रहा है, 15 माइनस 5 इट मींस 10 मिल रहा है, तो p हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 15 माइनस 5 10 होगा, तो इससे p हमें मिल जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 13 हम इस तरीके से इजीली सॉल्व कर लेंगे। 14th क्वेश्चन पे आते हैं, देखो 14th वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14th जो है, हमें x माइनस a वेक्टर डॉट x प्लस a वेक्टर हमें 8 के इक्वल दिया है, a यूनिट वेक्टर है, a हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो हमें अगर a यूनिट वेक्टर दिया है तो मॉडुलस ऑफ x वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है 1 मार्क का, तो यहां आप a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये हो जाएगा। अब a यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सही बता रहे हैं आप, 1 हो जाएगा, और ये ऐसे ही लिखेंगे हम, तो इससे वेक्टर का स्क्वायर हमारा आएगा ये 8 है, 8 और 1 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 3। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15th। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15th में, क्वेश्चन नंबर 15th जो दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 15th में हमें डायगोनल दिया है d1 डायगोनल जो हमें गिवन है वो है 3i प्लस j माइनस 2k, और डायगोनल d2 जो गिवन है वो है i माइनस 3j प्लस 4k। ये दो डायगोनल्स हमें गिवन है और हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। स्टूडेंट्स अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर कभी भी कोई पैरेललोग्राम आपको गिवन है, कोई पैरेललोग्राम आपको गिवन है और उसकी साइड्स गिवन है ए और बी, तो साइड्स अगर गिवन होती है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से। पर अगर डायगोनल्स आपको गिवन है, मान लो इस पैरेललोग्राम में साइड्स ना देके डायगोनल्स दिए हो d1 और d2, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो डायगोनल्स के टर्म में होता है वो होता है 1/2 d1 क्रॉस d2। तो स्टूडेंट्स यहां भी डायगोनल्स दिए हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने के लिए। d1 क्रॉस d2 हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट हमें निकालना है तो हम डिटरमिनेंट लिखेंगे आई जे के और 3 1 -2 और 1 -3 4, ये d1 क्रॉस d2 है हमारा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आए 4 -6 -j 12 +2 +k -9 -1, 4 - 6 हमारा -2i कैप होगा, 14 -14j कैप हमें मिल रहा है, और -9 -1 -10k कैप मिल रहा है। तो ये d1 क्रॉस d2 वेक्टर आ गया हमारा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर निकालना है तो हमें इसके मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। d1 क्रॉस d2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा हो जाएगा -2² + -14² + -10² का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स ये कितना होगा भाई, -2² हमें 4 मिल गया, ये 196 है और ये 100 है, तो ये आपको कितना मिल रहा है, रूट ऑफ 300 आपको मिल रहा है, 10√3। अब एरिया आप चाहो तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो, जो एरिया होगा वो आपका हाफ और मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 10√3, ये आपका एरिया हो जाएगा। 2 5 10 कैंसिल कर दोगे तो 5√3 आपका आंसर
आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो था इसमें आपको एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवेन है, डायरेक्शन रेशियो गिवेन है 1-2, 2 और आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन कोसाइन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं 1/√a² + b² + c² तो 1² - 2² + 2² और ऐसे ही -2 बाय ये करोगे तो 4, 8, 9 का रूट 3 होगा 2/3 तो ये डायरेक्शन कोसाइन हमारे आ गए 1/3 - 2/3 और 2/3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक लाइन की इक्वेशन दी है 4-x/2 = y/6 = 1-z/3 ये लाइन की इक्वेशन दी है और हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं। डायरेक्शन कोसाइन हमसे कहा गया बताओ कि क्या होंगे। तो अब देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एग्जाम में कई बार आता है तो स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीधे डायरेक्शन रेशियो सोचते हैं 2, 6, 3 है। स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान देना है ये लाइन की इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। यहां पे देखो x बाद में, तो पहले इसमें माइनस कॉमन करो, अगर इसमें माइनस कॉमन करोगे तो ये x - 4/-2 हो जाएगी, y/6 ही रहेगा और यहां माइनस कॉमन करोगे तो ये z - 1/-3 हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, अब डायरेक्शन रेशियो हम लिख सकते हैं। इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे -2, 6, -3 हमारे होंगे। डायरेक्शन रेशियो पता है तो अब डायरेक्शन कोसाइन हम बता सकते हैं, जो डायरेक्शन कोसाइन हमारे होंगे वो हो जाएंगे -2/√a² + b² + c² सिमिलरली 6/ इसको सॉल्व कर लो 36 और 9 45 45 और 4 49 49 का रूट अगर आप करोगे तो 7 आएगा 6/7 - 3/7 ये डायरेक्शन कोसाइन इस क्वेश्चन के हो जाएंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं अगर -2/7, 6/7 और -3/7। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्वेश्चन जो है 18 क्वेश्चन में हमें दो लाइंस दी हुई हैं। एक लाइन है x+4/3 = y - 1/5 और z+3/4 ये एक लाइन दी है और सेकंड लाइन हमें दी है x+1/1 y - 4/1 और z - 5/2 ये दो लाइन दी हुई है और हमसे कहा गया है इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करो। स्टूडेंट्स टू लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला है, आप लर्न कर लेना। अगर डायरेक्शन रेशियो के टर्म में आप लिखना चाहते हो तो a₁a₂ + b₁b₂ + c₁c₂ √a₁² b₁² c₁² सिमिलरली √a₂² b₂² c₂² ये फॉर्मूला होता है। अगर पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो a₁b₁c₁ है और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो a₂b₂c₂ है तो हम इस तरीके से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा यहां पे इन दोनों का एंगल निकालने के लिए। भाई इस ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इट मींस इसके डायरेक्शन रेशियो 3:5:4 है, इसके 1:1:2 है, तो a₁ into a₂ b₁ into b₂ + c₁ into c₂ √a₁² b₁² c₁² √a₂² b₂² c₂² तो ये हमारा आ जाएगा 3+5+8 / 25 और 9 हमारा होगा, या 16 और 9 ऐड कर लो 25 50 तो √50 ये आएगा, ये 6 आ रहा है हमारा तो इससे हमें मिल गया 8 और 8 16 / √
300। अगर आप रूट 300 को लिखते हो 10√3, 2 से कैंसिल आउट कर देते हो, इसे 2 से कैंसिल हो रहा है ये, तो थीटा हमें मिल जाएगा कॉस इनवर्स 8/5√3। स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर सकते थे। टू लाइंस के बीच का एंगल अगर आपको निकालने को कहा जाए, दोनों लाइन अगर कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है तो नीचे डायरेक्शन रेशियो पे कंसंट्रेट करो, फॉर्मूले में वैल्यूज रखो, सीधे थीटा आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट 19th क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 19th क्वेश्चन में हमें दो लाइन दी गई है, L1 x-5/7, y+2/-5, z/1, और एक और लाइन दी गई है x/1, y/2, z/2। ये दो लाइंस दी गई हैं और हमसे कहा गया चेक करना है वेदर दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर और नॉट। हमें इन दोनों लाइंस की कंडीशन चेक करनी है परपेंडिकुलरिटी की। तो देखो कभी भी टू लाइंस परपेंडिकुलर अगर होंगी, फॉर L1 एंड L2 टू बी परपेंडिकुलर, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 शुड बी इक्वल टू 0। कभी भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज, कॉरिस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम है वो 0 होना चाहिए। तो चेक करते हैं, 7 × 1 − 5 × 2 + 1 × 2, चेक करते हैं क्या ये 0 आ रहा है। अब देखो ये आ रहा है -1, इट मींस ये 0 नहीं आ रहा है। तो -1 क्योंकि 0 नहीं आ रहा है, इट मींस L1 एंड L2 आर नॉट परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 20 वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया एक लाइन है, देयर इज अ लाइन, और ये लाइन तीनों एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, इक्वल एंगल बना रही है, सॉरी एक लाइन है वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है। इट मींस तीनों एंगल्स को हम अल्फा कह सकते हैं, तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो तीनों के कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा हो जाएंगे। और हमें पता है जो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम है वो 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमने 1 पढ़ रखा है। ये कंडीशन हमेशा याद रखिए, ये कंडीशन होती है, यहां कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। पर यहां क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल है तो हम सबकी जगह कॉस अल्फा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा 1 होगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा 1 होगा, और इससे हमें कॉस अल्फा मिल जाएगा +-1/√3। तो इसमें हमें यही पता करना था एंगल क्या होगा, तो एंगल हमें मिल गया कॉस इनवर्स 1/√3, चाहे 1 ± 1/√3, मॉड ऑफ 1/√3 लिख देना। इस तरीके से 20th क्वेश्चन में हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट 21st क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या दिया हुआ है, देखो 21 क्वेश्चन में हमें एंगल फाइंड करना है दो प्लेन के बीच का। पहला प्लेन है 2x − 3y + 6z = 9, और दूसरा प्लेन है xy प्लेन। हमें इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, प्लेन के बीच का कभी भी अगर हमें एंगल फाइंड करना होता है तो जो प्लेन के बीच का एंगल होगा वो एक्चुअल में उनके नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल है वही होगा। तो हमें इनके नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशियोज पे कंसंट्रेट करना है। जो इनके नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशियो होंगे उनसे हम उन नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकालेंगे, वही प्लेन के बीच का एंगल हमारा आ जाएगा। देखो हमने आपको क्या इंपॉर्टेंट बात बताई, P1 P2 प्लेन्स के बीच का जो एंगल होगा वो सेम होगा एज एंगल बिटवीन नॉर्मल्स,
और हमको इसी पे कंसंट्रेट करना है, हमें नॉर्मल्स पे कंसंट्रेट करना है। स्टूडेंट्स P1 प्लेन के डायरेक्शन रेशियो आप देख पा रहे हो भाई, 2-3 और 6। P1 प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो है 2-3 और 6 है। अच्छा अब देखो XY प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो Z = 0 होगी, तो इसके डायरेक्शन रेशियो आप लिख पाओगे भाई, XY तो है ही नहीं, तो XY नहीं है तो 0 0, और Z का कोफिशिएंट 1 है, तो ये P2 प्लेन के डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है मुझे कि डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं प्लेन के वो एक्चुअल में प्लेन के नहीं होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल्स के ही हैं। ये डायरेक्शन रेशियो किसके हैं? नॉर्मल्स के हैं। प्लेन की इक्वेशन में जो डायरेक्शन रेशियो दिए होते हैं वो प्लेन के ना होके किसके होते हैं? नॉर्मल्स के होते हैं। तो ये डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल्स के आपको मिल गए। अब इनके बीच का एंगल हम फाइंड आउट करते हैं जो फॉर्मूला हमने सीखा था उसी से। कॉस थीटा हमारा होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A1 square B1 square C1 square रूट ऑफ A2 square B2 square C2 square। तो ये हमें मिल रहा है 6/√4 9 36 और 1 मींस 36 और 4 40 49 का रूट हो जाएगा 7। तो कॉस थीटा हमें मिल रहा है 6/7, इट मींस थीटा होगा हमारा कॉस इनवर्स 6/7। जो नॉर्मल्स के बीच का एंगल है वही एंगल प्लेन्स के बीच का होगा। इस तरीके से 21st क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, हमें राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 0, 1, 2, एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो 0, 1, 2 से पास कर रही हो और इक्वली इंक्लाइंड हो टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड हो टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के टूवर्ड्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है, तो इट मींस अल्फा बीटा गामा सेम होते थे, अल्फा बीटा गामा सेम होते थे, तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होते थे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वो सेम होते थे। ये तीनों एंगल्स अगर सेम है, तीनों एंगल्स हम अल्फा लिखे दे रहे हैं, तो 3 cos² α 1 आएगा, इससे हमें cos α 1/√3 मिलता था। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, यही हमारा एलिमेंट होगा, मींस जो एलिमेंट हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो 1/√3 ± 1/√3 ± 1/√3 होंगे। अगर इस लाइन की ये लाइन अगर इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, अगर ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो ये इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ±1/√3 ± 1/√3 ± 1/√3 होंगे। स्टूडेंट्स डायरेक्शन कोसाइंस को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो डायरेक्शन रेशियो मिलता है, इट मींस जो डायरेक्शन रेशियो हमारा होगा √3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट तो 1 1 1 डायरेक्शन रेशियो हमें मिल जाएगा। अब देखो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमें पता हो गया, इस लाइन पे एक पॉइंट पता हो गया, तो हम इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं x − x1/a y − y1/b z − z1/c। स्टूडेंट्स पॉइंट रख दो a x1/a y − y1/b और z − z1 कितना है 2/c। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी लाइन की। इस तरीके से क्वेश्चन 22 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है पर एग्जाम में आपको मिल सकता है। 23 में हमें दो प्लेन्स दिए हैं, P1 प्लेन दिया है x + y − 2z + 4 = 0 और एक प्लेन और दिया है
3x plus 3y minus 6z plus 5 is equal to 0। हमसे पूछा गया है चेक करो कि क्या ये प्लेन्स इंटरसेक्टिंग है, ये प्लेन्स इंटरसेक्टिंग है कि नहीं ये हमें बताना है। तो देखो इनके डायरेक्शन रेशियो हम नोट करेंगे। P1 के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 1 माइनस 2, और P2 के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 3 और माइनस 6। अगर P1 P2 पैरेलल है तो फिर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो पैरेलल की कंडीशन चेक करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। पैरेलल की कंडीशन थी A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 इक्वल होते थे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इनके डायरेक्शन रेशियो आपको दिख रहे हैं उनका रेशियो देखो क्या ये बराबर आ रहा है। देखो -2 बाय -6 भी 1 बाय 3 हो जाएगा, ये इक्वल है क्योंकि ये इक्वल आ रहा है। इट मींस P1 और P2 प्लेन्स जो है वो कैसे हैं, पैरेलल है। और अगर P1 P2 प्लेन्स पैरेलल हैं तो क्या वो इंटरसेक्ट करेंगे, नो दे विल नॉट इंटरसेक्ट, नो दे विल नॉट इंटरसेक्ट। स्टूडेंट्स इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट्स। 24th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन। एक प्लेन गिवन है, प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, और हमें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमें फाइंड करना है। अब देखो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला था वो मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूं, जिनको नहीं याद है वो अब याद कर लें। अगर प्लेन की इक्वेशन आपकी ax प्लस by प्लस cz प्लस d है, ये प्लेन की इक्वेशन है, और इसका डिस्टेंस आपको निकालना है x1 y1 z1 से, इस पॉइंट से आपको इसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जो पॉइंट होगा वो आप प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड की जगह रख दोगे, एक्स वाई जेड की जगह आप पॉइंट रख दोगे, और जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर के सम से डिवाइड कर दोगे। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो अब ये डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं। डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो ऊपर हमें प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, पर प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 पड़ेगा, तो 0 0 0 मैंने रखा, 10 को भी इधर ही लाऊंगा तो -10 रहेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो ऊपर तो -10 आ रहा है और नीचे 4 1 और 9, तो -10 बाय रूट ऑफ 14 ये हमारा आंसर होगा। एक बात का स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। इट मींस यहां पे हम नेगेटिव साइन ड्रॉप करेंगे और फाइनल डिस्टेंस 10 बाय रूट 14 जो है लिखेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव ऑन करते हैं। जो 25 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमें वाई इंटरसेप्ट बताना है। वाई इंटरसेप्ट बताना है, प्लेन दिया हुआ है x-5y+7z इज इक्वल टू 10, ये प्लेन दिया है और हमें y इंटरसेप्ट बताना है। स्टूडेंट्स y इंटरसेप्ट निकालने को कभी भी आपसे अगर कहा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली पुट x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, यू विल गेट y इंटरसेप्ट। अगर हम x और z की वैल्यू 0 कर देंगे तो जो y हमें मिलेगा वही y इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो इसमें जल्दी से x और z 0 रख दो, तो 0 -5y+7 × 0 = 10, तो -5y = 10, इट मींस y हमें कितना मिल गया, y हमें मिल गया 10 बाय -5 मींस -2। क्वेश्चन नंबर 25 इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दो प्लेन्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। एक प्लेन दिया है 2x+2y-z+2 = 0, और एक प्लेन दिया हुआ है 4x+4y
माइनस टू जेड प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये दो प्लेन दिए हुए हैं और हमसे कहा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब देखो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते थे, अगर हमें दो प्लेन्स दिए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते थे भाई। पहला काम हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है तो हम ये चेक करेंगे इस प्लेन पे कोई एक पॉइंट ले लेंगे, टेक एनी पॉइंट ऑन प्लेन P1, हम प्लेन P1 पे कोई पॉइंट ले लेंगे। देखो P1 पे पॉइंट लेने का सबसे आसान तरीका होता है आप XY को जीरो कर दो। अगर इसमें XY को आप जीरो कर दोगे तो अब बताओ Z कितना आ जाएगा, अगर इन दोनों को जीरो कर दोगे तो Z आपको मिल जाएगा 2। तो हमने P1 प्लेन पे एक पॉइंट ले लिया 002। अब आप इसका डिस्टेंस इस प्लेन P2 से निकाल दो, वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा दोनों प्लेन के बीच का। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कभी भी आपको टू प्लेन्स के बीच का एंगल पूछा, प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो आप प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस ना निकालो। आप क्या करो, प्लेन एक प्लेन पे एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट का दूसरे प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट कर दो। तो अब हम 002 का डिस्टेंस इस प्लेन से इजिली फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस हमारा होगा, ये पॉइंट हम यहां रखेंगे 4 into 0 माइनस 2 into 2 प्लस 5 बाय रूट ऑफ a² b² c² ये तो सब 4 into 0 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 5 1 होगा, 16 16 32 32 और 4 36 का रूट 6, तो डिस्टेंस हमारा आ गया 1/6। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा होगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें एक प्लेन की इक्वेशन पूछी गई है, बताओ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट लेंथ ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऐसे प्लेन की इक्वेशन हमें बतानी है जो इक्वल इंटरसेप्ट कट करता हो और इक्वल इंटरसेप्ट भी कितने के, वन लेंथ के, यूनिट लेंथ के, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो स्टूडेंट्स प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या थी, अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। इंटरसेप्ट फॉर्म में जो प्लेन की इक्वेशन थी वो थी x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1, वेयर a b c आर इंटरसेप्ट। अगर आपको इंटरसेप्ट दिए हैं तो जो प्लेन की इक्वेशन होती थी x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1 होती थी। तो अगर हम इस इक्वेशन का यूज करें भाई, इंटरसेप्ट हमें इक्वल दिए और सब 1 है, तो a भी 1, b भी 1 और c भी 1, तो इससे प्लेन की इक्वेशन हमें सीधे सीधे मिल जाएगी x + y + z = 1। इजी क्वेश्चन था ये स्टूडेंट्स। 28th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू। दो लाइन है, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 4 - 3 = 5 और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 3 - 4 = 5। हमें इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो cos थीटा हमारा होगा a₁ a₂ b₁ b₂ c₁ c₂ बाय रूट ऑफ a₁² b₁² c₁² a₂² b₂² c₂² तो ये आएगा 12 - 12 + 25 = 16 9 25 और ये भी 9 16 25 होगा, ये कितना आ जाएगा 25 बाय रूट 50 कितना होगा 50, तो 25 बाय 50 ये मिल रहा है, 25 बाय 50 हमें मिल रहा है 1/2। cos थीटा हमारा आ गया 1/2। स्टूडेंट्स cos थीटा 1/2 है अगर,
अगर cos थीटा 1/2 है, इट मींस जो थीटा है हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाय 3, 60 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 हम सॉल्व कर सकते थे। 29th क्वेश्चन पे आते हैं। 29th क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है विच इज पैरेलल टू, जो पैरेलल हो वेक्टर 2i, पैरेलल वेक्टर 2i माइनस j प्लस 3 के, और पास कर रही हो 5 - 2 4 से। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में आप इजीली लिख सकते हो। भाई वेक्टर फॉर्म इक्वेशन का क्या होता था, अगर कोई लाइन है और लाइन का लाइन पे एक पॉइंट दिया है ए और उसके पैरेलल वेक्टर है बी, तो जो लाइन की इक्वेशन होती थी वो ए प्लस लैम्डा बी होती थी। यहां पे आपको ए दिया है बी दिया, पर ए वेक्टर फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे ए को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम ए को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ए वेक्टर हमारा होगा 5i - 2j + 4k। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, तो अब हम इजिली इक्वेशन लिख सकते हैं। आर हमारी होगी लाइन की इक्वेशन, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी 2i - j + 3k। ये क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन होगा। देखो ये आसान क्वेश्चन है पर 1 मार्क में आ सकता है। 29 के बाद हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। स्टूडेंट्स जो 30th क्वेश्चन है, 38th क्वेश्चन जो हमारे सामने है, हमें एक वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है लाइन का, r इज इक्वल टू 2i - 3j + 4k प्लस म्यू टाइम्स 3i - 4j + 5k, और हमसे कहा गया है इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखो। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म आप इजीली लिख सकते हो, जो पहला है, पहला वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 2i - 3j + 4k, और जो दूसरा वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले वेक्टर से हमको क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा 2 - 3 4, और दूसरा वेक्टर हमें क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो देगा। बस आपको पॉइंट पता चल गया, डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, तो आप लाइन के कार्टेशियन फॉर्म इजिली लिख सकते हो। भाई लाइन का कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा x - x1/a y - y1/b और z - z1/c। स्टूडेंट्स 31st क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में अगेन हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है a ऑन b। a दिया है 2i - 3j + 4k और b दिया है i + 2j। हमें प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। अब देखो अगर प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b निकालना है, तो अब मैं जल्दी से करूंगा इस क्वेश्चन को, a.b/b का मैग्नीट्यूड। तो a डॉट b निकालते हैं, 2 × 1 = 2 होगा, -3 × 0 - 3 होगा, 4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड 1² + 2² तो कितना आ जाएगा 10 - 3 = 7 √5। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b होगा 7 √5। स्टूडेंट 31st क्वेश्चन के बाद 32 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 32 में हमें a वेक्टर दिया है 2i - 3 और b वेक्टर दिया है i + 2j। हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है a - b का ऑन a + b। स्टूडेंट्स तो पहले हम a - b फाइंड कर लेते हैं, a में से b माइनस करोगे अगर, तो देखो भाई 2i - i होगा
माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव होगा, और k वाला टर्म तो है नहीं तो 4k होगा। इसका प्रोजेक्शन हमें निकालना है a प्लस बी पे, तो a प्लस बी करो, 2i प्लस आई 3i होगा, माइनस थ्री प्लस टू माइनस j होगा और 4k होगा। इसका प्रोजेक्शन हमें इस पे निकालना है, तो अब हम इजिली निकाल सकते हैं, अगर हम इसको c कह दें, इस वेक्टर को हम c कह दें और इसको d कह दें, तो हमें c का प्रोजेक्शन d पे निकालना है। c का प्रोजेक्शन d पे कितना होगा, c डॉट d बाय d, तो इनका इनका डॉट करते हैं, i वाले को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j वाले को j से करेंगे और k वाले को k से करेंगे, 4 इंटू 4 16, और बाय d का मैग्नीट्यूड करते हैं, d का मैग्नीट्यूड कितना होगा 9 1 16, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स भाई, 16 और 5 21 और 3 24 बाय 16 9 25 25 1 26 24 बाय रूट 26 24 बाय रूट 26 हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन ऑफ a माइनस बी ऑन a प्लस बी जो है फाइंड कर सकते हैं, 24 बाय रूट 26 हमारा आंसर होगा, 16 और 5 हमारा 21, 21 और 3 24। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया इस तरीके से।